हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है ज़िंदगी। और अभी मैं यहाँ पे बास्केट में सारी सब्जियाँ निकाल करके रख रही हूँ, जिसे कि अभी पतिदेव जी मार्केट से लेकर के आए हैं। और इसलिए वो लेकर के आ चुके हैं क्योंकि सैटरडे इवनिंग से यहाँ पे जो है वो संपूर्ण लॉकडाउन है। तो हमने सोचे कि क्यों ना थोड़ी सब्जियाँ ला करके रख ली जाए, क्योंकि फिर हम लोग बाहर नहीं निकल सकते। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है बेंग साग, और इसे ब्राह्मी भी बोला जाता है। और इस साग के जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। ये आपके माइंड को ठंडा रखता है, ये आपके लीवर को ठीक करता है। और साथ ही में यहाँ पे हरी मिर्ची वगैरह भी है, और साथ में यहाँ पे देख लीजिए प्याज, शिमला मिर्च, बीट रूट और झिंगनी, और साथ में है मैंगो, वो छोटे वाले मैंगो। और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। और आज है सैटरडे तो खिचड़ी तो बननी ही है घर में, तो इसीलिए आज मैं प्लेन दाल और चावल की खिचड़ी नहीं बना रही हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे ले रही हूँ दलिया, जिसमें कि सारी चीज़ें हैं, लगभग 5 से 6 चीज़ें। तो इसमें है मूंग और चावल के छोटे छोटे टुकड़े, साथ में गेहूँ के टुकड़े, और इसमें बाजरा भी है, और साथ में तिल और अजवाइन भी है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं इस मिक्स दलिया में। और इस बर्तन में अगर इस दलिया को मैं क्लीन करती, उसे वॉश करती, तो उसमें से तिल और अजवाइन जो है वो पूरी तरह से निकल जाते। इसीलिए मैं दलिया को इसे स्ट्रेनर में वॉश कर रही हूँ नल के नीचे। और ये अब अच्छी तरह से वॉश हो चुका है, तो मैं इसे इस बर्तन में निकाल ले रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है ज़िंदगी। और आज है दिन सैटरडे, और अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, और मैं अभी आई हूँ लंच बनाने के लिए अपने किचन में। और लंच आज जो है वो बहुत ही सिंपल लेकिन डिलीशियस सब बन रहा है। तो सिंपल में क्या बना रही हूँ मैं, ये है दलिया। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने दलिया को पहले ही वॉश कर लिया था, और फिर इसे सोक करने के लिए लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया है। और अभी ये अच्छी तरह से सोख हो चुका है, और उसी के साथ मैंने यहाँ पे ये जो है वो आधा ग्लास चावल है। तो चावल और दलिया दोनों को मिक्स करके मैं इसकी खिचड़ी बना रही हूँ, और साथ ही मैं इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स जाएंगे, जिससे कि ये दलिया जो है वो और भी हेल्दी हो जाएगा। वैसे तो नॉर्मली मैं खिचड़ी सैटरडे को बनाती हूँ, लेकिन दलिया वाली खिचड़ी भी कभी कभी बना लेती हूँ। और मैंने इधर कढ़ाई चढ़ा रखी है, सब्जियां सारी कट करके रखी है, और ये दलिया और चावल भी जो है वो अच्छी तरह से सोख हो चुके हैं। वैसे दलिया का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि ये पता नहीं कैसा लगने वाला है, लेकिन यकीन मानिए अगर इस तरह से दलिया बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा दलिया, और साथ ही साथ आपको एक हेल्दी मील मिलेगा खाने के लिए। तो अपने डाइट में कम से कम वीक में 1 या 2 दिन जरूर रखें दलिया को, बहुत ही हेल्दी चीज़ है दलिया। और आजकल जो हमारा खान पान हो गया है उसमें अगर हम ये सब चीज़ें ना रखें तो कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। तो इसलिए हल्की फुल्की कभी कभी दलिया, खिचड़ी, ये सारी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए।
तो चलिए अभी फटाफट से चलते हैं और दलिया बनाते हैं। सारी सब्जियां जिसमें है कि झिंगनी, टमाटर, प्याज, साथ में लौकी और थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़े से ही आलू। तो दलिया तो अच्छी तरह से सोख हो चुका और साथ में चावल भी। और अब यहाँ पे कढ़ाई गर्म है तो उसमें मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल और साथ में एक चम्मच घी भी डाला है। और अब यहाँ पे मैंने उसमें जीरा और साथ में सरसों, जो काले वाले सरसों होते हैं, वो दोनों ही चीज़ें मैंने डाली है। और अब उसके बाद मैंने इसमें हींग डाली है। और अब यहाँ पे जीरा और राई चटक चुके हैं अच्छी तरह से, तो अब मैंने इसमें लंबे टुकड़ों में कटे हुए प्याज ऐड कर लिए और साथ में आलू भी। और इसे मैं एक दो मिनट के लिए भून ले रही हूँ। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर और साथ में नमक। और दोनों ही चीज़ें मैंने इतनी डाली हैं कि जितनी मुझे पूरे दलिया में चाहिए। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे लहसुन को, जिसे मैंने क्रश कर लिया, उसे भी ऐड कर रही हूँ। और इन सबको कुछ देर के लिए, बस एक से दो मिनट ही, इसी तरह से भून लेंगे। और फिर उसमें मैं ऐड कर रही हूँ सारी सब्जियाँ जिसे मैंने कट करके रखी हैं। और इन सब्जियों को भी थोड़ी देर के लिए, बस दो से तीन मिनट के लिए मैंने फ्राई कर लिया। बहुत ज़्यादा सब्जियों को फ्राई नहीं करना है, नहीं तो फिर इसके न्यूट्रिशन जो है वो बहुत सारे लॉस हो जाएंगे। और फिर इसमें मैंने ऐड कर लिए हैं कटे हुए टमाटर और इन सबको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे जब तक ये टमाटर थोड़ा सा गल ना जाए। और टमाटर जो है वो यहाँ पे थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सोख किए हुए चावल और साथ में दलिया। और यहाँ पे दलिया और चावल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा रख सकते हैं, नहीं तो आप पूरी तरह से दलिया को भी इसी तरह से बना सकते हैं। और दलिया में भी बहुत सारे चावल होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मुझे आज खिचड़ी खाने का मन था जिसमें कि थोड़े से खड़े खड़े चावल रहें, इस वजह से मैंने दलिया और चावल को मिक्स करके बनाया है। और अब इसमें मैंने अच्छी क्वांटिटी में पानी डाल दिया है और अब इसे ढक करके लगभग 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। और दलिया मैंने पानी वगैरह डाल करके उसे अच्छी तरह से ढक दिया है और अब वो लगभग 15 मिनट बाद ही मैं उसे चेक करूंगी, क्योंकि इसे थोड़ा सा कुक होने में वक्त लग जाता है। और अभी 2:15 बज चुके हैं और पतिदेव जी भी कुछ देर में आएंगे, तब तक उनका जो लंच है वो भी तैयार हो जाएगा। तो चलिए मैं कुछ देर बाद ही आप लोगों को दिखाती हूँ कि दलिया जो है वो कैसा बना है। और 20 मिनट हो चुके हैं मुझे दलिया को चढ़ाए हुए, तो चलिए चेक कर लेते हैं कि दलिया अभी तक कुक हुआ है कि नहीं। और दलिया में जो है वो पूरा पानी अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो चुका है और यहाँ पे चावल, दलिया, सभी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं। और मुझे थोड़ी सी पतली दलिया ही चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे पानी जो है वो पूरी तरह से सूख चुका है, तो मैं अब इसमें ऊपर से पानी नहीं ऐड कर रही हूँ, बस इसी तरह से इसे रहने दूंगी। और अब ये अच्छी तरह से कुक हो ही चुका है, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया पत्ती, जिससे दलिया का टेस्ट जो है वो और भी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा दलिया जो है वो बन करके तैयार हो चुका है और अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दे रही हूँ। और इतनी सब्जियाँ डालने के बाद भी देख सकते हैं कि लौकी जो है वो पूरी तरह से गल चुकी है, बस छोटे छोटे टुकड़े ही उसमें दिख रहे हैं। और दलिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी थी इस तरह से बनाने के बाद। और यहाँ पे हमारा खाना भी जो है वो निकल चुका है क्योंकि पतिदेव जी आ चुके हैं। और आज मॉर्निंग में फिर से एक पार्सल आया था, तो उसी की अनबॉक्सिंग यहाँ पे पतिदेव जी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है।
ग्लास काफी अच्छा है और काफी हैवी है, ये देख सकते हैं आप। इसका बेस देखिए, बेस काफी मोटा है। ये ट्रियो है, ये मिल्टन कंपनी का है। सारे ग्लास सही हैं, सारे ग्लास सही हैं। और इस तरह की ग्लास जो है वो मैं काफ़ी दिनों से लेना चाह रही थी, तो अचानक से फ्लिपकार्ट पे मुझे ये ग्लास दिख गए, तो मैंने सोचा चलो इसे मंगवा ही लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो इस तरह के ग्लास में सर्व करने में अच्छी लगती है। हेलो एवरीवन, और अभी रात की 8:30 बज रहे हैं और लगभग 3 बजे नहीं, उससे पहले से ही 2:30 बजे से ही बारिश जो हो रही है कंटिन्यू हो रही है। अभी तक लगातार बारिश हो ही रही है, बीच में थोड़ी सी हल्की हुई थी लेकिन अभी जो है वो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। अगर मेरे ख्याल से आप लोगों के पास आवाज़ भी आ रही होगी, और अभी मैंने आप लोगों को बाहर जा कर के भी दिखाया है, तो बारिश में बहुत कंटिन्यू हो रही है और मौसम भी काफ़ी ठंडा हो गया है। पंखा वगैरह कुछ भी नहीं हम लोग चला रहे हैं। तो चलिए आज सैटरडे के ब्लॉग को मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड माई ब्लॉग्स। तो आप सभी को गुड नाइट।